फेक न्यूज के बारे में बताने की कोशिश करूंगा एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि किस तरीके से जो साइबर फ्रॉड है उसी का एक एक्सटेंशन है फेक न्यूज, और फेक न्यूज से भी बहुत सारे लोग साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा एक KBC लॉटरी का मैसेज लोगों के पास आता है व्हाट्सएप पर, और उसके बाद फिर अगर आप उस लिंक को क्लिक कर देते हैं तो फिर आप एक विशियस वेब में फंस जाते हैं। तो मैं एक प्रेजेंटेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से फेक न्यूज़ हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो गई होगी सभी को। तो फेक न्यूज़ क्या है इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक टर्म होता है मिस इन्फॉर्मेशन और एक टर्म होता है डिस इन्फॉर्मेशन। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मिल करके एक पूरा वेब बना रहे हैं उसके बारे में समझते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि जो भी व्यूअर है उसे ये नहीं पता होता है, या जो स्प्रेडर है सर्कुलेटर है इन्फॉर्मेशन का, जो इन्फॉर्मेशन वो सर्कुलेट कर रहा है वो सही है या गलत है, वो ये मान के चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसे पता है वो सही है, जबकि एक्चुअल में नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग को दिन भर हमारे व्हाट्सएप पर तरह तरह के मैसेजेस आते रहते हैं, और अच्छा उन मैसेजेस में किसी तरीके की कहीं कोई भी रेफरेंस नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल टमाटर के खाने से कैंसर होता है, एक दिन आपको मैसेज मिलता है और आप तुरंत टमाटर खाना छोड़ देते हैं कि अरे इससे कैंसर हो जाएगा, और दूसरे दिन फिर आपको एक मैसेज मिलता है कि टमाटर के खाने से कैंसर नहीं होता, और फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी सूचना सही थी और कौन सी सूचना गलत थी। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 51 लोग अभी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, तो इन 51 लोगों के पास ऑन एवरेज कम से कम मोबाइल में 10 ग्रुप होंगे इनके व्हाट्सएप पर। वो छठी क्लास का ग्रुप, फैमिली का ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप, और उसमें सुबह गुड मॉर्निंग से जो सिलसिला शुरू होता है वो देर रात गुड नाइट तक चलता रहता है। ये जो व्हाट्सएप, और यहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है, जो इतनी तरीके की फेक इन्फॉर्मेशन फैला रही है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। दूसरी जो चीज़ होती है मिस इन्फॉर्मेशन का जो इकोसिस्टम है वो है डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन में जो स्प्रेडर या सर्कुलेटर है उसे ये पता है अच्छी तरीके से कि जो न्यूज़ हम सर्कुलेट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम सर्कुलेट कर रहे हैं वो फाल्स है, उसके बावजूद उसके कुछ मैलिस इंटेंशन होते हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं, बायसनेस होते हैं, उनके तहत उनके थ्रू वो डिलिबरेटली इस तरीके की इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं उस इंस्टीट्यूट में कोई आकर के कहता है कि भाई यहाँ पर पहले भूत रहा करते थे, तो हम भारतीय बड़े भोले होते हैं और इस तरीके की चीज़ों में तुरंत सेंटी हो जाते हैं कि हाँ यार ज़रूर यहाँ भूत रहा करते होंगे। तो ये जो है मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें नहीं पता कि भूत थे नहीं थे, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ यहाँ भूत रहा हो करते होंगे, नदी भी है, पानी भी है, पीपल के पेड़ वगैरह हैं, तो यहाँ भूत रहेंगे, तो हमने भी उस इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाना शुरू कर दिया, वो हो जाती है मिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन में कि मान लीजिए कि आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा है और उस इंस्टीट्यूट के कुछ राइवल्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि वो इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करे या इतना शानदार क्यों चल रहा है, तो जानबूझ करके इस तरीके की इंफॉर्मेशन वायरल करते हैं या लोगों को कम्युनिकेट करते हैं कि साहब ये जगह भूतही है, जिससे यहाँ जो एडमिशन लेने जाएगा वो बीमार पड़ जाएगा, कोर्स नहीं पूरा कर पाएगा, और इस सब सिलसिले के बाद होता ये है कि लोग वहाँ एडमिशन ले जाना बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जगह भूतही है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का इकोसिस्टम है भारत में वो एक खतरनाक जगह बना रहा है फेक न्यूज़ के लिए। आपको जानकर के हैरत होगी कि बहुत सारी मॉब लिंचिंग्स हो चुकी हैं फेक न्यूज़ के कारण, और लोगों को कुछ मोबाइल पे मैसेज मिलता है और उसके बाद वो उस अकॉर्डिंगली एक्ट करने लग जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा समझदार होने की ज़रूरत है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कितने तरीके की
मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही हैं न्यू मीडिया पर या हमारे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो किस किस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही हैं। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे करके बताने की कोशिश करूंगा। इसमें पहला है सटायर और पैरोडी। आपने मजाक किया, लेकिन अगर आपने प्रॉपर इमोजीज नहीं लगाई या प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया तो लोग उसे सच मान लेंगे। दूसरी चीज, क्लिक बेट का मामला है। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो इंगेजमेंट चाहती हैं। वो इंगेजमेंट किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं होता। और जब भी कभी उनको कोर्ट में इस मामले में घसीटा जाता है तो बहुत भोले बन जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब हम तो पब्लिशर हैं, हमें नहीं पता और हमारा कंटेंट पर कोई कंट्रोल नहीं। एक साइट पहले थी ऐसी, fakingnews.com करके, अब वो साइट बंद हो गई है। उसका स्क्रीनशॉट आपकी मोबाइल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें वो अबाउट अस में लिख रहे हैं, फेकिंग न्यूज इज अ वेबसाइट दैट हैज नेवर कंटेंट विद नो रिलायबल सोर्सेज, वी सिंपली फेक न्यूज टू अट्रैक्ट योर अटेंशन एंड वी आर ऑनेस्ट अबाउट एडमिटिंग इट। ये अपने अबाउट अस में लिख रहे हैं, लेकिन हमें से कितने लोग हैं जो जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो उसकी अबाउट अस को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है, ये है पहला सटायर और पैरोडी के का एक बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे ये दूसरा एग्जांपल है कि किसी ने ट्वीट किया, पूरी टैक्स फ्री इन पाकिस्तान स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटजी। ये मजाक में किया गया ट्वीट था जिसे लोगों ने सच मान लिया। सटायर और पैरोडी का ये एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर और दिख रहा है। इसमें बहुत सारे जो नोटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पैरोडी अकाउंट्स बनाए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया TOI का LOI कर दिया है, लेकिन ये उसी तरीके से लिखा गया है जैसे कि उनका एक्चुअल अकाउंट होता है। और जो आम जनता है वो इतनी मीडिया अवेयरनेस का शिकार नहीं होती है तो वो इन अकाउंट्स को सच मान लेती। ANI का I छोटा है, टाइम्स नाउ का टाइम्स हाउ कर दिया गया है। तो इस तरीके से सटायर और पैरोडी, अब इन अकाउंट से जो भी न्यूज़ फैलाई जा रही है वो क्रेडिबल नहीं होगी, लेकिन हम लोग कान नहीं देखते हैं, कौवा दौड़ा लेते हैं के युग में। हम जल्दी से जल्दी जिस चीज़ के लिए हम क्रिटिसाइज करते थे टेलीविजन चैनल्स को कि ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में इन्होंने सारा का सारा एनवायरनमेंट खराब कर दिया, वही चीज़ हम व्हाट्सएप अकाउंट में अपने कर रहे हैं कि इस ग्रुप की सूचना उस ग्रुप में डाल रहे हैं, उस ग्रुप की सूचना इस ग्रुप में डाल रहे हैं और बगैर ये सोचे हुए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद एक दूसरा जो फेक न्यूज़ का मामला होता है वो होता है इम्पोस्टर, कि आप किसी एक फेमस क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन के लोगो या ब्रांड का सहारा लेते हैं और उसके बदले में दुनिया भर की बकवास चीज़ें लिख देते हैं और लोग उसे सच मान लेते हैं। जैसे कि ये है कि एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख करके उसे मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल पार्टी कर दिया। यहाँ पर अगर आप दूसरी स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक में कोई और पॉलिटिकल पार्टी और दूसरे में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, और बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज पे आप नजर डालेंगे तो आप को जानकर के हैरत होगी कि इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन इससे किसी को मतलब नहीं है, बस उन्होंने जिस पॉलिटिकल पार्टी के आप फेवर में हैं उसका नाम है या अगेंस्ट में उसका नाम है, उस पर ध्यान दिया जाता है और इससे भी फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैलती है। उसके बाद है फॉल्स कॉन्टेक्स्ट। फॉल्स कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है कि जो भी इमेज आप तक पहुंचाई जा रही है वो इमेज या तस्वीर तो सही है लेकिन उसके साथ जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो गलत है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि कुछ हमारे शहीदों की डेड बॉडीज हैं और उसके साथ लिखा जा रहा है कि वैलेंटाइन डे को अब शहीदों के नाम से जाना जाएगा। जब आप इस तस्वीर का फैक्ट चेक करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि ये तस्वीर जो है वो दंतेवाड़ा हमले की है, ना कि इनका किसी और चीज़ से कहीं कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से फैब्रिकेटेड कंटेंट है। ये एक वीडियो अक्सर वायरल होता है जिसमें कि ये कहा जाता है कि ये दुबई में बुर्ज खलीफा है और इसके टावर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का के नेता का चेहरा आया या किसी फेमस पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज किया गया। और जब आप इसकी तह तक जाते हैं तो आपको पता पड़ता है कि एक ये बाइगू नाम का एक ऐप है जिस पर आप किसी का भी चेहरा बना सकते हैं, यानी कि आप अपना भी चेहरा बना सकते हैं। उसी तरीके से एक और तरीका है जिससे फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा फैलाई जाती है, वो मैनिपुलेटेड कंटेंट है।
मतलब ये कि कंटेंट तो ठीक है लेकिन उसके ऑडियो और वीडियो के साथ कुछ मैनिपुलेशंस कर दिए गए और उससे उसका अर्थ का अनर्थ निकल रहा है। मैनिपुलेटेड कंटेंट का एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, एक दिख रहा है, इसमें वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को नोटों की गड्डी के साथ दिखाया जा रहा है। और जब आप इस तस्वीर की छानबीन करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि ये जो तस्वीर है ये कहीं और की है और उसके साथ उनका चेहरा लगा दिया गया है। और सबसे मज़ेदार, आपके पास मैनिपुलेटेड कंटेंट का एग्जाम्पल स्क्रीन पर जा रहा है और असली तस्वीर ये है जिसमें किसी तरीके का कोई चांद तारे का चिन्ह नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं जबकि एक्चुअल में वो रेल को हरी झंडी दे रहे थे। तो अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैल रही है भारत में, आखिर इसका रीजन क्या है, क्या कारण। तो सिलसिलेवार तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है पुअर जर्नलिज्म, खराब पत्रकारिता। आप सारे के सारे, मुझे लगता है कि इस वेबिनार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब के सब पत्रकारिता के छात्र हैं या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। एक टर्म होता है ओल्ड फैशन जर्नलिज्म। अखबार में तब तक कोई चीज नहीं छप सकती है जब तक कि उसे कोई न्यूज एजेंसी या अखबार का कोई जर्नलिस्ट उसको वाउच या वेरीफाई ना करे। लेकिन इंटरनेट के आ जाने के बाद ये सिनेरियो एकदम बदल गया और हमें कोई भी चीज कहीं से भी मिलती है हम ये मान लेते हैं कि ये खबर इंटरनेट पे आई है तो सच्ची हो। तो जब हम फैक्ट चेक नहीं करते हैं तो फेक न्यूज के फैलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरा है टू पैरोडी। आप तंज कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और उस मजाक को लोग सीरियसली ले लेते हैं। तो ये चीज समझने वाली है क्योंकि स्टेटस जब हम लिख रहे होते हैं किसी के बारे में कुछ तो कोई भाव नहीं कम्युनिकेट हो रहे होते हैं। हमें अभी प्रॉपर इमोजीज के इस्तेमाल का तरीका भी नहीं पता। आपने फेसबुक पर ऐसे बहुतेरे लोगों को देखा होगा जो लिखते होंगे फीलिंग लोनली विथ 49 अदर्स। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि आप इस तरीके के स्टेटस क्यों लिख रहे हैं। और इसी ऐसा ही कुछ जो है वो खबरों के मामले में भी हो रहा है। तीसरा कारण है टू प्रूव और टू पंक। आप किसी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, कीचड़ उछालना चाहते हैं और इसलिए बहुत सारे इस तरीके की चीजें फेसबुक या ट्विटर या इस तरीके की चीजों पर आ जाती है कि आप किसी से चिढ़ गए तो पहले जो चीज लोगों के बीच में रह जाती थी तो वहीं सिमट जाती थी, लेकिन जब वो चीज इंटरनेट पर आ जाती है तो वो पब्लिक हो जाती है और फिर बाकी के लोग उसको मजे लेने लग जाते हैं और इसी से ट्रोलिंग कल्चर का निर्माण होता है। क्योंकि जो ट्रोलर्स होते हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा कुंठित लोग होते हैं और उनके पास कोई काम भी नहीं होता, वो सच भी नहीं जानते हैं जिस आदमी को ट्रोल कर रहे हैं उसके बारे में भी उन्हें नहीं पता कि वो है कैसा है और वो बस एक लाइन ले लेते हैं फेवर में या अगेंस्ट में। जैसे कि अभी आपने देखा कि दिल्ली में 3 छात्रों की दुखद मौत हो गई और उसमें जिस कोचिंग सेंटर में ये सब कांड हुआ उस कोचिंग सेंटर का नाम कोई नहीं जानता या उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई, पर विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा सर को लोगों ने, जिनकी जिनका उनमें कोई फॉल्ट नहीं, बस उनका फॉल्ट ये था कि वो प्रसिद्ध थे, फेमस थे, लोग उनके बारे में जानते थे, उनकी रील्स वायरल होती थी, उनके बारे में पता नहीं कहां कहां क्या क्या नहीं कहा गया। चौथा कारण है पैशन। पैशन आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप रास्ते में जा रहे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब हम छोटे होते हैं तो हमारे साथ ही कोई कुछ लोग हैं जो रास्ते में चलते हुए हर पत्थर पे लात मारते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कहते हैं कुछ नहीं बस ऐसे ही मजा आ रही थी। तो ये जो मजा लेने वाले लोग हैं जब वो इंटरनेट पे आ जाते हैं तो उनको 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 और कुछ नहीं करना है, बस उनको मजा आती है इस तरीके की चीजें सर्कुलेट करने में और लोगों को टीज करने में, लेकिन उससे सिचुएशन जो है वो वर्सन हो जाती है। पार्टनरशिप है पांचवा कारण। इंटरनेट के मोनेटाइजेशन ने फेक न्यूज को फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है क्योंकि मोनेटाइजेशन तभी आपको मिलेगा जब आप व्यूज क्लिक्स पाएंगे और व्यूज और क्लिक्स पाने के लिए जरूरी है कि कंटेंट में कुछ ऐसा सेंसेशनलाइज किया जाए मामला उसको, और उसमें फिर क्या होता है कि लाइक माइंडेड कई सारे लोग जुड़ जाते हैं और जो पैसे कमाना चाहते हैं इंटरनेट की इस आंधी में और उससे चीज़ें और ख़राब होती हैं। और इसी से जुड़ा हुआ मामला है प्रॉफिट का,
कि हमें ज्यादा से ज्यादा माइलेज चाहिए, इकोनॉमिकल माइलेज चाहिए, और उसके लिए कंटेंट सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं है। सातवां पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। आप ये देखते हैं कि फेसबुक पर लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो लगता है कि नहीं, ये तो इसमें तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। तो पोलराइजेशन होता है इससे, और इससे पॉलिटिकल पार्टीज को माइलेज मिलता है। और आठवां है प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा आपने एक शेर सुना ही होगा, काम का फिक्र करो, फिक्र का जिक्र करो, और काम चाहे ना करो। तो ये जो दिखावे का कल्चर है, इसने भी फेक न्यूज़ को फैलने में एक बड़ी भूमिका निभाई। आपने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी होगी जहां लोग अपने घरों में बैठे बैठे एरोप्लेन बना दे रहे हैं या वैकेशंस एंजॉय कर दे रहे हैं, और जब कैमरा थोड़ा सा पीछे जाता है तो आपको दिखता है कि अरे ये तो घर में ही बैठे हुए। तो ये वो आठ कारण हैं जिनके कारण फेक न्यूज़ फैलती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन में लुत्फ आ रहा होगा, और वेबिनार की अपनी एक सीमाएं होती हैं और उसमें आदमी थोड़ी देर के बाद बोर होने लग जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे और चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में वो सवाल लिखते चलें, और इस प्रेजेंटेशन के खत्म होने के बाद हम उन सवालों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कोई ये मुझे बता देगा कि ये मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आप संतुष्ट हो रहे हैं, या सबने अपने माइक और कैमरे ऑफ करके आप कुछ कुछ और काम कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है सर आप। अच्छा, तो अब इसके बाद, अब अगर आपको कोई फेक न्यूज़ मिलती है तो उसमें उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि अगर कोई फोटोग्राफ आपको मिलती है तो उसका इस्तेमाल कैसे करें। और उसका तरीका है यूजिंग रिवर्स इमेज सर्च। आप, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप रिवर्स इमेज सर्च को का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर्स इमेज सर्च आपकी स्क्रीन पर देखिए आ रहा होगा कि जब आप गूगल करते हैं तो आप लिखते हैं google.com। गूगल ये कोई फोटोग्राफ गूगल पर कब आई या नहीं आई, आई है तो कब आई है, इससे आपको पता पड़ जाएगा कि फोटोग्राफ जिस संदर्भ में आपको भेजी जा रही है सही भी है या नहीं है। और इसके लिए आपको images.google.com पर जाना पड़ेगा, जहां आपको इस तरीके का एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां आप इमेज के यूआरएल को पेस्ट कर सकते हैं, या कोई इमेज आपको व्हाट्सएप पर मिली है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि इमेज किस कॉन्टेक्स्ट में यूज की गई है और इमेज कितनी पुरानी है ये आपको पता पड़ जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर जैसे 2017 में ये इमेज वायरल हुई ये क्लेम करते हुए कि थे लाइफ मैगजीन ने से कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इस तस्वीर में कहीं कोई समस्या है, लेकिन जब आप इस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च करते हैं तो आपको और कुछ खास नहीं मिलता है। गूगल आपको गेस देता है कि गांधी एंड दलाई लामा, लेकिन एक हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का एक इंटरव्यू का लिंक मिलता है जिसमें दलाई लामा खुद कह रहे हैं आई मेट गांधी इन माई ड्रीम्स दलाई लामा। और जब आप इस खबर को देखते हैं तो आपको पता पड़ता है कि ओहो ये तो 14 नवंबर 2007 की खबर है, यानी कि और तस्वीर 2017 में वायरल हो रही है, यानी कि गांधी और दलाई लामा कभी नहीं मिले। तो जैसे एक ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है जिसमें वन फोटोग्राफ सेवरल क्लेम्स, इस तस्वीर में ये बता पाना बड़ा ही मुश्किल है कि कौन सी तस्वीर सही है और कौन सी तस्वीर झूठी। जब आप इस फोटोग्राफ का रिवर्स इमेज सर्च करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि साहब ये कहा जा रहा है मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड 2018, और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे दिखते हैं। लेकिन जब आप इसकी और तह में जाते हैं तो आपको पता पड़ता है कि ये जो तस्वीर है वो असली ये वाली है जो G20 समिट जर्मनी में 2017 में हुई थी, और इसमें कोई भी व्यक्ति इस कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ है।
ये इस तरीके से रिवर्स इमेज सर्च का एग्जांपल है। रिवर्स इमेज सर्च करने का एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप अपने माउस किसी भी तस्वीर पे जाकर के माउस का राइट क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा सर्च गूगल विद दिस इमेज। आपको फिर यूआरएल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप राइट क्लिक करेंगे और तस्वीर के बारे में इंफॉर्मेशन गूगल सर्च करके बता देगा जिस तस्वीर के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं, वो तस्वीर कहाँ की है, कैसी है भी गूगल के डेटाबेस में या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि तस्वीरें गूगल के डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में भी आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में गूगल नहीं, अब चाइना का अपना जो सर्च इंजन है वो बाइडू, अब बाइडू से अगर कोई तस्वीर गूगल पर आ गई तो गूगल आपको नहीं बता पाएगा कि ये तस्वीर कब आई थी, तो फेक न्यूज़ को कैसे डीबंक किया जाए। तो ऐसे चार पाँच और बड़े सर्च इंजन हैं जिसमें गूगल सर्च है, टिनाई सर्च है, साइड्रल सर्च है, यैंडेक्स सर्च है और बाइडू, यैंडेक्स रशियन सर्च इंजन है। तो इससे आप पता कर सकते हैं अगर आप इन अगर गूगल उस किसी तस्वीर के बारे में जानकारी दे पाने में अक्षम हो रहा है तो आप इन सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप तस्वीर को क्रॉप कर लीजिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर आ रही है जिसमें महात्मा गांधी के साथ कोई महिला है, जब आप इस तस्वीर का गूगल रिवर्स इमेज सर्च करते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, लेकिन जब आप महात्मा गांधी जी की तस्वीर का आप रिवर्स इमेज सर्च करते हैं क्रॉप करके तो आपको असली तस्वीर मिल जाती है जिसमें महात्मा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठे हुए कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं। उसी तरीके से ये एक तस्वीर 2017 में पाकिस्तान की जो एम्बेसडर है, यूएन एम्बेसडर उस टाइम की, मलिया लोधी ने एक तस्वीर वहाँ दिखाई और कहा कि साहब जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनकी पैलेट गन से कश्मीरियों का ये हाल हो रहा है। और जब इस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च किया गया तो पता पड़ा कि ये तस्वीर कश्मीर क्या भारत की नहीं है, ये तस्वीर एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने 2014 में गाजा वार में खींची थी और उस तस्वीर को भारतीय तस्वीर बना करके दिखा दिया गया। इस तरीके के कुछ एग्जांपल हैं आपके सामने। अब एक चीज़ और है कि गूगल रिवर्स इमेज सर्च के अलावा अगर आप किसी तस्वीर को गौर नहीं देखते हैं और उसमें समस्या आ जाती है, जैसे कि ये एक तस्वीर है जिसमें ये कहा गया कि केरल के एक जो एमएलए हैं उनकी गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, लेकिन जब इस तस्वीर को आपने गौर से देखा, इसको जूम किया तो आपको ये पता पड़ गया कि उनकी तस्वीर पे रिलीजियस गाड़ी पर रिलीजियस फ्लैग लगा हुआ है, ना कि पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। ये कुछ रिवर्स सर्च ऑप्शंस हैं आपके पास। यैंडेक्स सर्च इंजन है रशियन, बाइडू चाइनीज है, टिनाई और रेवाई ये गूगल के अलावा दो वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन हैं जिन के थ्रू आप अपनी तस्वीरों के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। ये एक उसके अलावा गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन एक बड़ा मामला है। जब किसी तस्वीर को एक गलत क्लेम के साथ आगे बढ़ाया जाता है तो नीचे के कमेंट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है, अगर आप कमेंट्स पर ध्यान देंगे तो आपको सच्चाई पता पड़ जाएगी। ये क्लेम ये किया गया कि एक 9 से 12 साल की बच्ची है जो कि एक रिफ्यूजी कैंप में प्रेग्नेंट हो गई, रोहिंग्या बच्ची है, और जब इस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च किया गया तो बहुत सारा कुछ किसी और भाषा में वो तस्वीर दिख रही थी, और जब उसको गूगल ट्रांसलेट किया गया तो पता पड़ा कि ये तस्वीर जो है वो ब्राज़ीलियन तस्वीर है और जो लड़की है वो सोलन लीवर से सफ़र कर रही है, ना कि उसके साथ कोई और इस तरीके की बदतमीजी या बेमतगी हुई है। एक और जो मामला है वो है कि तस्वीर को गौर से देखना, जैसे कि ये एक तस्वीर है जिसमें ये कहा गया कि जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी मृत्यु हुई तो उस वक्त दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने केक काटा, अपना जन्मदिन भी मनाया क्योंकि उनका जन्मदिन भी उसी दिन होता है। लेकिन जब आपने इस तस्वीर को गौर से देखा तो ये देखा गया कि तस्वीर में पीछे घड़ी दिखी लगी हुई है
और घड़ी में टाइम बजा हुआ है 11:05 और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु की घोषणा शाम को 5 बजे के बाद की गई थी, यानी कि जब ये बर्थडे मनाया जा रहा था तब तक उन्हें पता ही नहीं था कि तब तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उनकी मृत्यु की कोई सूचना पब्लिक नहीं की गई थी। तो अब ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप देख करके ये समझ सकते हैं कि ये तस्वीर सच्ची है या झूठी है। पहला है बिल्डिंग और लैंडमार्क्स, किस तरीके की बिल्डिंग्स हैं, किस तरीके का आसपास की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, इंसाइनिया फ्लैग्स लोगो एम्बलम्स बैजेस किस तरीके से, किस तरीके के, कहा जा रहा है कि ये यूपी पुलिस है लेकिन जो बैजेस हैं वो एमपी पुलिस के दिख रहे हैं, तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की तो नहीं है जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा है। सोशल मीडिया कमेंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार होता है कि वहां पर कोई सच्ची बात लिख देता है, तो कमेंट्स पर भी एक बार नजर मारना जरूरी है। ट्विटर है तो उसका पूरा थ्रेड देखना जरूरी है। नंबर प्लेट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्लेट कहाँ की है, कैसी है, लोगों ने कपड़े कैसे पहने और किस भाषा में वो बोलते देखते सुनाई पड़ रहे हैं अगर कोई वीडियो है, वेदर और साइनेज, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीर सच्ची है या झूठी है।